खूबसूरत झबला फ्रॉक स्टाइल दिखाने वाली हूँ छोटी बच्ची का। जैसा कि आपको ये ग्रीन कलर का फैब्रिक नजर आ रहा है, इसके साथ हमने ये कंट्रास्ट में लेस ली हुई और पाइपिंग ली है इसके लिए, जिसकी हम इसमें डिजाइनिंग करेंगे। ये हमारे पास कपड़ा छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, तकरीबन 1-1.5 मीटर का कपड़ा है। इस छोटे से कपड़े में हम आपको बहुत ही खूबसूरत छोटा सा झबला बनाना सिखाएंगे बच्चों के लिए, जो हम बना सकते हैं, जो उनके लिए कम्फर्टेबल हो। यहाँ पे हम लेंथ ले रहे हैं, ये देखें 15 इंचेस तक। यहाँ पे हम पूरे उसमें निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा अर्ज जितना है कपड़े का उतना टोटल ले लेंगे, और ये 15 इंचेस का हमने निशान लगा लिया है, और इसको अब हम कट कर लेंगे। ये देखें, ये हम कट कर चुके हैं। ये हमारे पास नीचे के लिए, इसमें हमने जिसमें चुने डाली हैं, जिस पीस में ये, वो पीस है हमारे लिए फ्रिल पीस है, जो उसकी योक पीस है वो भी हम कट करेंगे। व्यूवर्स, ये जो पीस हमने कट किया है, ये हम इसके घूम ज्यादा करने की वजह से इसको कट कर रहे हैं, ताकि हम इसमें घूम ज्यादा कर सकें। थोड़ा सा जोड़ आएगा, लेकिन उसकी वजह से घूम ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारा फ्रॉक ज्यादा अच्छा लगेगा। जितने ज्यादा घूमोगे उतना प्यारा फ्रॉक झबला बनेगा। ये देखिए व्यूवर्स, अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसमें तकरीबन 1.5 इंचेस तक की इसमें हम कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ हमने निशान लगाया, और इसी तरह से 1.5 का यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसको हम थोड़ा सा गुलाई में तिरछा सा कट करेंगे, हल्का सा। ये देखें इस तरह से, ये हमारे पास आर्म होल है छोटा सा, और इसको हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने सेंटर में इसके बीच का टक लगाना है, ताकि हम आइडिया रहे हमें कि हमारे पास सेंटर है फ्रॉक का, फ्रिल का। अब हम आपको बताते हैं कि हमने योक पीस किस तरह से कट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो पीस है ये बचा हुआ, इसमें से हमने योक कट करनी है। इसकी लेंथ तकरीबन 5 इंचेस से 6 इंचेस के करीब होगी, और जो विड्थ है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने विड्थ लेनी है इसकी 10 इंचेस के करीब, हमने उसका निशान लगा लिया है। ये देखें, इसी तरह से जो इसके हमारे पास विड्थ है वो हमारे पास है 5 इंचेस के करीब, जैसा कि मैंने आपको अंदाजे से बताया था, ठीक है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे, और जो हमने बैक पीस लेना है वो हमने थोड़ा सा ओपन लेना है स्लीट वाला, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा पीस लेंगे। ये देखिए, हम उतना ही कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पीस। ये देखिए, हमने जो लिया है वो बैक पीस में लिया है, और इसको हम स्ट्रेट कट करेंगे, ताकि हमें एक जैसा कपड़ा मिल जाए फ्रंट और बैक के लिए। अब हमने कट करना है इसका आर्म होल और नेक होल। हम आर्म होल के लिए, इसकी नेक होल के लिए हम ले रहे हैं तकरीबन 2 इंचेस का विड्थ, और जो इसकी हम डेप्थ लेंगे वो हम तकरीबन 3 इंचेस तक की लेंगे, या 2.5 इंचेस भी ले सकते हैं अगर आपको 3 इंचेस ज्यादा गहरा लग रहा है तो। ये देखें, अब हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। नेक होल की, सॉरी व्यूअर्स, मैंने गलती से आर्म होल बोल दिया। अब हम करेंगे बाद में इसकी आर्म होल की कटिंग। ये हमने सेंटर में इसकी टक लगाना है, जैसे कि हमने इसकी लगाया था फ्रिल पीस में भी, ताकि हमें सेंटर का आइडिया रहे, ठीक है व्यूअर्स। और इसी तरह से ये हमने बैक पीस में ये गला कट करना है। बैक का गला हम छोटा कट करते हैं, ना कि गहरा कट करते हैं। फ्रंट का गला थोड़ा सा गहरा कट कर लेते हैं, और बैक के गले में हम स्लिट बनाते हैं, ताकि बच्चों को पहनने में आसानी रहे, उन्हें किसी तरह का मुश्किल ना हो पहनने में। बच्चों में मोस्टली गला फंस जाता है, इसलिए बैक का स्लीव लाजमी खोलना चाहिए। ये देखें इस तरह से ये पट्टी बनेगी, और ये बैक का गला बन जाएगा, और ये फ्रंट पीस है हमारे पास, और इस फ्रंट पीस पे हमने ये लेस यूज करनी है, इसकी डिजाइनिंग करनी है। ये देखें कितनी हसीन लग रही है, बेहद खूबसूरत, और इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखें, इसको जब हम इसके साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आर्म होल भी पूरा हो जाएगा, और इसमें चूने भी आएंगी, तो ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक लगेगा। हमने इसमें यहाँ पे हम बॉक्स प्लेट देके आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही प्यारी लगेंगी। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 3 के करीब तकरीबन बॉक्स प्लेट आएंगी, 3 फ्रंट पे और 3 ही बैक पे, अंदाजन बता रही हूँ मैं आपको।
व्यूवर्स, इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान है। हमने जो इसका ये पेटी बनाई है कट की है फ्लावर्स वाली, जैसा कि आपको लेस नजर आई थी, तो हमने उसको पलट के इसका गला बना लेना है और बैक की पट्टी बना लेनी है। पाइपिंग भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं इसके, हम आर्म होल में पाइपिंग करेंगे ताकि वो नीट हो जाए। और इसमें जो बॉक्स प्लेट है वो हमने आपको अपनी वीडियोज में बनानी सिखाई हुई है, बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और ये वीडियो हमने आपको समझा दी है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अब ये फ्रॉक मैं आपको सिलने के बाद दिखाऊंगी कि उसकी लुक कैसी लगेगी। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा फ्रॉक स्टिच हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने स्टिचिंग इसकी इस तरह से की है कि सबसे पहले हमने ये वाली लेस जो थी इसकी योक में लगाई है, और उसके बाद जो ये फ्रिल पीस है इसमें हमने ये बॉक्स प्लेट दी है। यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 बॉक्स प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमने ये बॉक्स प्लेट दिए हैं, बॉक्स प्लेट देने का तरीका हमने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि किस तरह से दी जाती हैं, ठीक है। ये आपस में जब ज्वाइन होंगी तो ये एक सलग शर्ट बन गई है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी नेक होल की और आर्म होल की पाइपिंग की है। पाइपिंग करना भी बहुत आसान है, आपको बताया है कि पाइपिंग बहुत आसान तरीके से लगाई जा सकती है। रेप की पट्टी लेके उसे बस फोल्ड करके लगाना होता है और उससे ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है, ठीक है। पीछे हमने बैक पे ये स्लिट खोला है, ठीक है। इसकी वजह से बच्चों को पहनाने में आसानी रहती है और बैक पे भी इसी तरह से ये देखें, ये हमने चुने दी हुई हैं, ठीक है। और इसकी डिज़ाइनिंग को और खूबसूरत, इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने नीचे लेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमारे पास ये छोटी सी लेस है, इस पर थोड़ा सा गोल्डन शेड है जिसकी वजह से इसकी मैचिंग हो गई है इसकी योक पीस के साथ। योक पीस में देखें कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जो कि आपको हमने दिखाई थी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये फ्रॉक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इनकेस आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, वैसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पर ये होता है कि हम डिटेल में बात कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं फेसबुक पेज का कहती हूँ। फेसबुक पेज भी खुशी मकबूल के नाम से ही है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।